हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज भी मैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि मेरे किचन गार्डन की है, और मैं किचन गार्डन का अपडेट और गार्डनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, आप कुछ भी लगाते हैं अपने हाथ से तो खुशी तो अलग ही होती है। और अभी जो हम लोगों ने मक्की के प्लांट लगाए हुए थे, देखिए इनमें ऐसे भुट्टे बन गए हैं मक्की के, और ये खाने के लायक हो गए हैं। तो देखिए, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं पर फिर भी खाने लायक हो गए हैं। और जब भी आप कुछ लगाते हैं अपने गार्डन में तो थोड़ा बहुत तो आपको मिलता ही है। और वैसे तो एक दिन बंदरों का अटैक भी हो गया था, काफ़ी सारे उन्होंने ख़राब भी किए, पर वही ना, जब हम कुछ लगाते हैं तो अकेले नहीं खा सकते हैं ना, सभी का साझा होता है। और वो क्लिप मेरे से थोड़ा मिस हो गया था, मैंने ऐड नहीं किया इसमें। तो देखिए, इस तरह से सभी मक्की के जो भुट्टे हैं उनमें दाने बन गए हैं, और इन पे दोबारा से कुछ नहीं लगता है। तो जिन प्लांट से हम लोग मक्की के भुट्टे निकाल लेते हैं तो उनको हम इस तरह से अपनी गार्डनिंग में यूज करते हैं अपना कंटेनर भरने के लिए, जिसमें नेक्स्ट वेजिटेबल्स हमें लगानी है। तो देखिए, हमारा जो कूड़ा होता है वो भी गार्डनिंग में काम आ जाता है और हमारे कंटेनर भी भर जाते हैं और हमारी छत पे ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। तो देखिए, मतलब हमारा कूड़ा भी इस्तेमाल हो गया और हमारी गार्डनिंग में हमें सब्जियाँ, फ्रूट्स ये भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए, मेरी जो तैयारी चल रही है, अभी ग्रो बैग थोड़े भर के छोड़ दिए हैं नीचे पत्तों से, या फिर जो गार्डनिंग में हमारी कूड़ा निकलता है उससे मिट्टी डालने की देरी है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैंगन के प्लांट लगाए थे कुछ दिन पहले, और अभी इनमें देखिए बैंगन लगना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, और फ्लावरिंग भी हो रही है इनमें। तो जो ग्रो बैग हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, वो देखिए ये सीडलिंग है, इसके लिए हमने तैयार किए हैं। और ये सीडलिंग है टमाटर की, जो कि ये वाली तो मैंने घर में जो टमाटर यूज़ करते हैं उनसे तैयार की है, क्योंकि कभी कभी ना पके हुए टमाटर जो होते हैं ना, उन वो अलग ही दिखते हैं सीड्स उनके पके हुए, तो मैं उनको छान के अलग कर लेती हूँ जब मैं सब्जी बनाती हूँ, तो उनके सीड को अलग कर लेती हूँ, धुलने के बाद उनको मैं फिर ग्रो कर देती हूँ। तो बहुत सारी सीडलिंग मेरे पास हो जाती है फ्री की। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आप फ्री के अपनी किचन से ग्रो कर सकते हैं। और ये कुछ लौकी के प्लांट अभी लगाए थे हम लोगों ने, जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं अभी, और 2.5-3 फीट के ही हुए हैं अभी। इनमें देखिए थोड़ी थोड़ी अभी फ्लावर से बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, बैंगन कितने प्यारे प्यारे से, और ये वाले बैंगन ना बहुत टेस्टी बनते हैं, और सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट नहीं ऐड किया हुआ है, तो सब कुछ जो है ऑर्गेनिक तरीके से। भले ही कम सब्जी लगती है ऑर्गेनिक तरीके से, पर हाँ वो प्योर ऑर्गेनिक होती है। तो देखिए, ये अच्छे बड़े हो गए हैं अब लौकी के प्लांट ना, और यहाँ पे बीच बीच में मेरे हस्बैंड ने मूंगफलियाँ डाली थी, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, तो उसके प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये 4 o'clock का प्लांट है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं इधर, और जितने भी वेजिटेबल प्लांट है वो हमें बड़े ग्रो बैग में लगाने चाहिए। और जैसे अरबी है, देखिए ये हम छोटे ग्रो बैग में लगा सकते हैं, कम गहराई वाले ग्रो बैग में लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगती है। और ये कुछ गुलदाउदी के प्लांट नए मैंने तैयार किए हैं, वो लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ बैंगन के प्लांट मेरे हस्बैंड ने ऊपर रख दिए हैं, क्योंकि नीचे ना हवा नहीं लग रही थी इनमें तो, और ये अच्छे से चल नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश में ज़्यादा पानी होने के कारण ना फिर इनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी अच्छे से प्लांट चलते हैं। वेजिटेबल को करीबन 5-6 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए होती है। और देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये पुदीना है। आजकल ना बरसात में हमारा पुदीना इस तरह से ख़राब होने लगता है, तो अगर आपको पुदीना अपना अच्छे से बनाए रखना है ना, तो इसको पूरे को कट कर दीजिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल कट कर दिया है, और ये मैंने कुछ दिन पहले कट किया था यहाँ से, तो इसमें देखिए नया जो है पुदीना
बनने लगा है इसमें से, नीचे से देखिए। तो अगर आपका पुदीना इस समय ख़राब हो गया है ना, तो उसको उखाड़ के मत फेंकिए, बस सिर्फ ऊपर से उसको कट कर दीजिए बिल्कुल मिला के, और उसमें देखिए इस तरह से नया पुदीना आपको मिलने लगेगा फिर। तो ये बरसात में ना ज़्यादा पानी की वजह से इस तरह से ख़राब हो जाता है। अभी देखिए नया नया ना निकल के आ गया है, ये मैंने कुछ दिन पहले कट किया था, और ये मेरे गुलदाउदी के मदर प्लांट हैं जिनको मैंने अभी दोबारा से रिपोर्ट किया है थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह ऐड करके। और ये वाले भी मदर प्लांट हैं, ये मैंने छोटे ग्रो बैग में अभी लगाए हैं, क्योंकि बड़े ग्रो बैग या अभी जो पॉट ना हमारे अभी खाली नहीं है, तो खाली होंगे तो मैं बड़े पॉट में इनको शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए ये है जिंजर फैमिली का प्लांट जो कि सौंठ के नाम से जाना जाता है। ये मेरे गार्डन में बहुत सारा अपने आप ही ग्रो हो गया है, एक दो लगाया था मैंने पहले, और ये जहाँ जहाँ भी अभी उसके सीड्स डले हुए थे, तो बिना कंपोस्ट के बिना किसी केयर के देखिए कितना अच्छे से अपने आप चल जाता है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर हैं, और यहाँ पे भी कुछ मूंगफली के प्लांट नीचे लगे हुए हैं, वो जगह जगह डाल दिया था मूंगफली को, तो वो हर जगह जो है निकल गए हैं देखिए इस तरह से। तो चलिए थोड़े से बैंगन भी तोड़ लेते हैं जो तोड़ने के हो रहे हैं अभी। तो देखिए इनका छिलका बहुत ही बारीक पतला सा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो दो तीन तरह के बैंगन मैंने लगाए हुए हैं वैसे तो, ये प्लांट बड़ा सा ग्रो बैग है इसमें लगाया हुआ है। और ये पुदीना मैंने उस कैरी में से कट किया था, सारा का सारा कट कर दिया था, क्योंकि मुझे वो दोबारा से ग्रो करना था तो इसलिए। तो चलिए वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।